गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री कोचिंग इंडिया। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीएआर के कई संस्थानों में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एनबीपीजीआर यानी राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में दो पोस्ट निकली हुई है, जो कि पहली पोस्ट YP2 की है और दूसरी पोस्ट फील्ड असिस्टेंट की है। पहली जो पोस्ट है YP2 की, इसके लिए 35,000 रुपये पर मंथ फिक्स्ड सैलरी रहेगी। इसमें कोई डीए या एचआर अलग से नहीं दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर बॉटनी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स और अबाव मार्क्स। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास में यदि रिसर्च एक्सपीरियंस इन टैक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स विल बी प्रिफर्ड, यानी जिस कैंडिडेट के पास में रिसर्च एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 45 वर्ष के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरी पोस्ट फील्ड असिस्टेंट की है, इसके लिए 20,000 प्लस HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम सेकेंड डिविजन। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि वर्क एक्सपीरियंस इन फील्ड क्रॉप हैंडलिंग ऑफ ऑफिस डॉक्यूमेंट्स बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड डाटा एंट्री एक्सेट्रा इन क्षेत्रों में यदि रिसर्च एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास होगा तो उस कैंडिडेट को फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। एज लिमिट इसके लिए 50 ईयर है। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं और ये एप्लीकेशन फॉर्म दोनों पोस्ट के लिए है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनबीपीजीआर की ऑफिशियल वेबसाइट से इन दोनों पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। IARI में कई सारी पोस्ट निकली हुई है, जिसमें पहली पोस्ट YP1 की है और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो तीन पोस्ट है और ग्रेजुएट डिग्री इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यदि किसी कैंडिडेट के पास में MS ऑफिस लाइक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, इसके अलावा नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होगी तो उस कैंडिडेट को YP1 की के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। सेकेंड पोस्ट YP2 की है और इसकी दो पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो YP1 की पोस्ट के लिए थी वही YP2 की पोस्ट के लिए है। यदि किसी के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को YP2 की पोस्ट के लिए प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट YP1 की है, इसकी एक पोस्ट है और इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन BBA ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सेम है। नेक्स्ट पोस्ट YP2 की है और एक पोस्ट है इसके लिए MBA पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सेम है। नेक्स्ट पोस्ट YP1 की है, इसकी दो पोस्ट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सेम है। नेक्स्ट पोस्ट YP2 की है और दो पोस्ट है और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस MBA MCOM और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन सेम है। यदि इस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन किसी कैंडिडेट के पास होती है तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। इन सभी पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू होंगे वो डायरेक्टरेट IARI पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में होंगे। इंटरव्यू 15 फरवरी को होंगे और रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में रहेगा। इंटरव्यू 10 बजे के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म इन सभी पोस्ट के लिए रहेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे और फिल करने के बाद में अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे और उस सिंगल PDF फाइल को आप ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर 10 फरवरी से पहले सेंड कर देंगे। और इंटरव्यू आप 15 फरवरी को 10 बजे के बाद में डायरेक्टरेट ऑफ IARI पूसा कैंपस नई दिल्ली में जा करके दे सकते हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट, जो कि IARI की डिवीजन ऑफ फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में निकली हुई है, जिसमें JRF की एक पोस्ट है और इसके लिए 37,000+ 27% HRA पर मंथ सैलरी रहेगी फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। थर्ड ईयर में इसके लिए 42,000+ HRA पर मंथ सैलरी रहेगी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc MTech विद स्पेशलाइजेशन इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड साइंस विद नेट और गेट क्वालिफिकेशन। इसके अलावा यदि किसी कैंडिडेट के पास में ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उस कैंडिडेट को JRF की पोस्टिंग में प्रेफरेंस मिलेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस इस JRF की पोस्ट के लिए दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे, और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में इसकी और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे, और उस सिंगल PDF फाइल को ये जो ईमेल आईडी दी गई है इस ईमेल आईडी पर 20 फरवरी से पहले सेंड कर देंगे। और इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू 22 फरवरी को तैयार है, डिवीजन ऑफ फूड साइंस एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप JRF की पोस्ट के लिए इंटरव्यू 22 फरवरी को दे सकते हैं। जिस प्रोजेक्ट में ये पोस्ट है JRF की, उसके PI हैं डॉक्टर नीलम उपाध्याय। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में, जो कि कई सारी पोस्ट निकली हुई है, द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ IARI पूसा कैंपस न्यू दिल्ली में। पहली पोस्ट है, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इरीगेशन ड्रेनेज इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट। इसके अलावा कैंडिडेट के पास में नेट और गेट होने चाहिए। यदि किसी कैंडिडेट के पास में PhD डिग्री होगी तो उस कैंडिडेट के लिए नेट और गेट कंपल्सरी नहीं होगा। नेक्स्ट पोस्ट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, और जो थर्ड पोस्ट है उसके लिए भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है। तो ये आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आप इन पोस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं, और ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन ये दी हुई है। यदि किसी कैंडिडेट के पास में टीचिंग एक्सपीरियंस होगा तो उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगा। इन सभी पोस्ट के लिए इंटरव्यू डायरेक्टरेट ऑफ IARI में 22 फरवरी को 10 बजे के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे, और रिपोर्टिंग टाइम इसके लिए 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में रहेगा। ये कुछ टर्म और कंडीशंस यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आप रीड कर लेंगे। कितनी सैलरी रहेगी, क्या एज लिमिट है, ये सभी चीज यहाँ पर दी हुई है, ये आप रीड कर लेंगे। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करने के बाद में इसको फिल करेंगे, और फिल करने के बाद अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक सिंगल PDF फाइल बनाएंगे, और उस सिंगल PDF फाइल को 15 फरवरी से पहले सेंड कर देंगे। यदि आप किसी संस्थान में प्रेजेंट में एम्प्लॉय हैं तो NOC लगाना आपको कंपलसरी होगा। और इन सभी पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू 22 फरवरी को 10 बजे के बाद में आप IARI में दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं, एक पोस्ट ICAR हेडक्वार्टर में निकली हुई है, जो कि YP2 की पोस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप इसके लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये कई सारी पोस्ट ICAR सिस्टम में निकली हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार फॉर्म फिल करके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ICAR, IARI और NDPGR की ऑफिशियल वेबसाइट को समय समय पर विजिट करते रहें, ताकि कोई मॉडिफिकेशन या इंटरव्यू डेट चेंज होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।